तो फ्रेंड्स, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है 28 सितंबर बैच के। चलिए इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस 3 दिन का कैसा रहा। अपना नाम बताइए। किशोर है सर मेरा नाम। कहाँ से? गुजरात से हूँ मैं। ओके, कितने साल से काम कर रहे हैं आप? सर मेरे को तकरीबन 1 साल हो गया काम करते करते। अच्छा, क्या क्या काम कर लेते थे पहले? सर कुछ नहीं काम कर पाता था, वो यूट्यूब से देख के तुक्का मार दिया, डायरेक्ट किसी का सॉल्यूशन देख के कर दिया, बस उतना ही। सर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो रिटर्न कर दे। रिटर्न कर दिया। अच्छा, आप यहाँ के कितने दिन हो गया? मेरे को सर यहाँ आए हुए 3 दिन हो चुके हैं। और क्या क्या सीखे आप बताइए? यहाँ पे सर पहले तो हम कंपोनेंट की चेकिंग सीखे, कंपोनेंट होता क्या है, मोबाइल किस तरह का होता है, मोबाइल में कितने कंपोनेंट लगे होते हैं, ये सारी बेसिक जानकारी सर यहाँ पर नॉलेज दिया जाता है। ओके, और यहाँ पर प्रैक्टिकल में क्या क्या कर चुके हैं? प्रैक्टिकल में हमने सबसे पहले ही दिन यहाँ पे आते तुरंत हम लोग ने आईसी रिबॉलिंग सीखी। रिबॉलिंग लोगों के मन में सबसे बड़ा डर होता है कि आईसी। ओके, हमने सबसे पहले यहाँ पे आके आईसी रिबॉल करना सीखा। अच्छा जी सर, कितने दिन में सीखे आप आईसी रिबॉल करना? आईसी रिबॉल करना सर हम जी एक दिन में हमको बताया गया और दूसरे दिन सर जी हम लोग ने परफेक्टली सब लोग को पहले दिन भी तो आपने किया रिबॉलिंग, बट हो नहीं पा रही थी थोड़ी देर तक, हो नहीं रही थी। हाँ, लेकिन कर रहे थे जी सर, कोशिश कर रहे थे। फिर एक दिन बाद हमें सबको सफलता मिल चुकी है, आईसी रिबॉलिंग हम लोग सब परफेक्टली करना जान चुके हैं। टेक्निक के आधार पे, तरीके के आधार पे यहाँ पे किस तरीके का तरीका बताया जाता है वो तरीका हम लोग को सब सर ने सिखाया है बहुत बढ़िया से। अच्छा, अभी ये सेट में क्या किया आपने? ये सेट में सर मीडिया टेक का प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें। ठीक है, क्या किया आप इसमें? वो सर मैंने इसको, ये सेट ऑलरेडी ऑन था, मैंने इसको ऑन सेट में इसका निकाला चुकी हूँ और इसको वापिस रिकॉल करके वापिस। चलिए ऑन करके बताइए। जी सर, ये देखिए। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि ये सेट अभी पूरा पूरी तरह से ऑन हो चुका है, इसमें ग्राफिक वगैरह क्योंकि ये देख सकते हैं हम जैसे कि। तो एक बार अपना नाम क्या है? एक बार किशोर के लिए एक बार जोरदार थाली मार दो भाई। ये देखिए, तो किशोर जी, क्या आप कभी पहले आईसी का काम किया करते थे क्या? नहीं सर, आईसी क्या, वो कंपोनेंट भी बड़ी कंपोनेंट से डर लगता था और टेक्निकली ऐसे देख लिया यूट्यूब पे, सॉल्यूशन मिल गया तो कर लिया, बाकी कंपोनेंट होता अच्छा। क्या था मुझे तो वो भी नहीं पता था। तो अभी आईसी का सारा काम कर लोगे, रिवॉल्व करके लगाना? चीजें कर लूंगा सर। अच्छा, कितने दिन? 3 दिन में इतना कुछ बोल रहे हो आप? जी सर। अच्छा, ये मैं आ गया सर। अच्छा, जबरदस्ती मैं बुलवा तो नहीं रहा हूँ? नहीं सर, कोई जबरदस्ती, इतना दिल से कॉन्फिडेंस आ गया है। अच्छा, सर को देख के इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कुछ भी तो आईफोन दो तो उसका भी सीपीयू रिबॉल करके लगा देगा। क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है भाई इनके पास, बहुत अच्छी बात है। चलिए, इतना कॉन्फिडेंस आना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होगा इंसान के अंदर तो वो कुछ नहीं कर पाता। जी सर, समझ रहे? क्योंकि आप अभी इन्होंने आईसी को रिवॉल्व किया, लगाया, इनके पास इतना कॉन्फिडेंस आया है कि बोल रहे हैं कि एंड्रॉइड का भी कर लेंगे। अच्छा, आपने एंड्रॉइड की भी तो आईसी को रिवॉल्व किया है यहाँ पर? सर किया है, एमएनसी वगैरह सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच किशोर जी, अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, तो अब बताइए पहले के में और आपके में क्या अंतर है? बहुत फर्क है सर, जैसे कि हम जो बात करते हैं जस्ट जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ के, यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोलचाल की भाषा में बहुत फर्क है। अपन टेक्निकली बात करते हैं, बिल्कुल टेक्निकली। सिग्नल अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ जो आपको पता चले ईएन सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जो भी नॉलेज था वो मुझे हार्डवेयर में मिल चुका था। अब मुझे हाथ जमाने के लिए एमएमसी और प्रोग्रामिंग करना था, इसलिए मैंने एमएमसी के लिए यही चुना है। यहाँ अगर हार्डवेयर इतना अच्छा है तो एमएमसी भी बहुत अच्छा होगा। Okay, तो आप मुझे बताइए कि 9 दिनों में आपका 100 डे एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या यहाँ पे सीखा और क्या क्या आप सोच के आते हैं और क्या आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला? मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख ली पूरी प्रोग्रामिंग, और नया मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल, पुराना मोबाइल, डेड गुड रिपोर्ट, हेल्थ बेड रिपोर्ट, जो भी एरर आते हैं एमएमसी में वो सारे कंप्लीट होगा। उसके बाद अब आज की कंडीशन है, मार्केट में जितने भी नए मोबाइल चल रहे हैं उनको एमएमसी निकाल के भी अनलॉकिंग कर सकते हैं, एफआरपी एमआई अकाउंट निकाल के भी कर सकते हैं, आईएसपी पिन आउट द्वारा भी कर सकते हैं, बिना डेड रिक्स के, जेटेक और यूएफआई दोनों से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो दोनों को बहुत किए भी हैं सर, किए से भी किए भी हैं, A3S किया है, 6A किया है। तो कैसा पेशेंट ऐसे कैसे निकालते हैं और सेफली उसको कैसे करते हैं, अगर कोई एमएमसी का पिन उखड़ गया, मैंने जो डेटा का कोई पिन ऐसा निकल गया, उसको माइक्रो जंपिंग कैसे करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और प्रोग्राम में बहुत सारा चीज़ है, इसमें बहुत सारा अनलॉकिंग कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट से अगर आईसी डेड हो गया उसको टेस्ट पॉइंट से उसको कैसे हम जिंदा कर सकते हैं। हमारे को यहाँ पर मिली जब हम यहाँ आए थे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए, तो उस टाइम से पहले ही हम आपकी वीडियो देख चुके थे, उसी के द्वारा हम यहाँ पर आए। जब आपने हमारे को कराया एक एक चीज़, हमारे को कुछ भी नहीं था, हम 6-7 सालों से काम कर रहे थे, पर जब हम यहाँ आए थे हमारे को लगा कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे कुछ भी नहीं आते, तो यहाँ सीखे हमारे को बहुत अच्छा लगा। जो हमारे को आउटपुट चाहिए था सर वो हमारे को मिला, तो
तो हमने सोचा कि नहीं दोबारा हम ये एमएमसी करने जाएंगे तो हम इधर ही जाएंगे। और जो हम यहाँ पर आके देखा सर, हमारे को आईसी रिवॉल्विंग वगैरह जो एमएमसी है सब कुछ हम यहाँ पर, एक बार ताली बजा दो इन्होंने। परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे भी अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। तो सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। इंडिया नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो वो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो जो करके बना था अच्छा मोबाइल बना के वो टेक्नीशियन लोग तो उनको कहने को भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट करते, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज दिया मैंने, हम बोल रहे थे अच्छा है, हाँ दाऊद सब कुछ बना मिलेंगे अच्छा, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज मिले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी नेक्स्ट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई टायर नहीं निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं आप? सर इसका ईएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा। और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फील्ड में वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में लिखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया मेरे को पता लगा जो शुरू 6 महीने 7 महीने 7 महीने सीखा पाते वो आप लोगों की बैठक क्लास में मैंने सीख लिया। शायद हम फॉलो कर रहे हैं, हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा फिर उड़ रहा है वहाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी मुझे यहाँ हमें बोलना है कि मुझे बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा आया हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस चीज को सुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल में आके आया, तो फिर चलता हूँ सुना सर,
सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्कूल में पढ़ सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने उसका शांति व्यवस्था जो मैं हर एक बालक को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं सब लेकिन एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। अच्छा जी सर, सुना ये सर ये सारी चीज आपने फील सुनी कल, जो कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा यहाँ पे सबसे बेटर ये लगा सर की पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट को रिव्यू दिया और मैंने यहाँ पर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक होता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Maxim 1001 and 2845 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Amansum 1001 and 2835 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.